ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महाभारत की कुछ प्रेम कहानियाँ, जो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि कितनी सारी प्रेम कहानियाँ थी। उसमें सबसे पहले हम श्री कृष्ण के ऊपर आते हैं, श्री कृष्ण और रुक्मणी का जो प्रेम कहानी थी। रुक्मणी का जो भाई था, भाई रुक्मी, वो रुक्मणी की शादी शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मी ने स्वयंवर का आयोजन भी किया, पर श्री कृष्ण स्वयंवर में रुक्मी को पहुंचाने से पहले ही रुक्मणी को लेके गए और उनकी जो पूरी सेना थी वो पूरी रुक्मी के देश में फैल चुकी थी। वहां पे परास्त किया और मथुरा जाकर पूरे संस्कार से विवाह किया। ऐसा ही उन्हें कुंती की बहन की जो बेटी थी मित्रविंदा, वो भी कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। बल्कि ऐसा करने के लिए उन्हें दाऊ भैया ने कृष्ण को उकसाकर प्रेम विवाह करवाया था। अभी अर्जुन ने एक धार्मिक मेले के दौरान सुभद्रा को देखा था और सुभद्रा से प्रेम कर बैठा था। सुभद्रा भी उनको चाहती थी, पर बलराम ने पहले सुभद्रा की शादी जो थी वो दुर्योधन से तय कर रखी थी। अभी अर्जुन ने अपनी जो व्यथा है भगवान श्री कृष्ण को बताई, तब कृष्ण ने अपना वाला फॉर्मूला जो था वो अर्जुन को दे दिया और कहा कि भगा के लेके जाओ, सबसे बेस्ट वही है। तो अर्जुन सुभद्रा को हर घर लेके गए। फिर थे कृष्ण का पुत्र सम, सम जामंती का पुत्र था। उन्हें दुर्योधन की बेटी लक्ष्मण से प्रेम विवाह किया और पकड़े गए और कारागार में डाल दिए गए थे। उसके बाद फिर कृष्ण और बलराम गए थे और फिर वहां पे फिर उसको छुड़ा कर लेकर आए थे। ऐसा था कि वहां पे बलराम जी ने पूरी जो हस्तिनापुर थी उसी को घसीट कर लेकर निकल लिए थे, वैसा हुआ था। तो एक ये प्रेम कहानी। फिर कृष्ण का पोता अनिरुद्ध, वो भी राक्षस अंधकासुर की बेटी उषा के प्यारे में पड़ गया था। दोनों को बचाने के लिए कृष्ण को शिव से युद्ध करना पड़ा था। उसके बाद फिर दोनों का विवाह हुआ। महाभारत में द्रौपदी के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि 5 पतियों से विवाह करने वाली द्रौपदी को अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी महारथी कर्ण से प्रेम था। लेकिन परिवार के मान सम्मान और सामाजिक लिहाज के कारण द्रौपदी और कर्ण कभी एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह सके। द्रौपदी ने अपने मन की बात कही नहीं और विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए, जब उसकी विवाह द्रौपदी से नहीं हुई। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। उन्हें भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। जो अपने प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे, तो ये बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही ये अनकहीं प्रेम कहानी खत्म। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।